नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी यहाँ पर। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के एसएससी सीजीएल 2017 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में, सो दैट जिन लोगों का आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है उनको इससे बेनिफिट मिले। जैसे एक एलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू 52 प्लस 30 रूट 3 है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स। तो अगर इसका रूट एक्स की वैल्यू पूछी है तो इस पे रूट लगा देंगे वही आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या करेंगे, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस की करने की ट्रिक ये होती है कि इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा होता है, बस हमें वही निकालना है। अब वो फार्मूले में हमें ए और बी की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, तो ये वाले क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करने हैं हम लोगों को। जो भी ऑप्शन दे रखा है उसमें ए और बी की वैल्यू होगी, उसको रख रख के उसी फॉर्मेट में बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा कि अगर जो 30√3 है तो ऑप्शन में देखेंगे तो 5 + 3√3 टाइप का कोई ऑप्शन होगा, तो 5 + 3√3 इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में इसको बनाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 3√3 का स्क्वायर 27, यानी कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3√3 + 5 का होल स्क्वायर की वैल्यू लिखी है। तो x की वैल्यू हो जाएगी इतनी और पूछा गया है रूट एक्स, तो रूट एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दे रखा है हम लोगों को x की पावर a b c इक्वल टू 1 है, तो पूछा गया है a³ + b³ + c³। तो देखिए ये x की पावर है तो ये पावर है तो ये ऐड हो जाएंगे, 1 की जगह लिख देंगे x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से हमें मिलेगा a+b+c=0। और ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है ये एसएससी में इतनी बार पूछा गया है कि हर साल हर शिफ्ट में इस इक्वेशन पे क्वेश्चन होता ही है, और ये हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए। जैसे a³ + b³ + c³ -3abc का वैल्यू होता है a+b+c a²+b²+c² -ab - bc - ca। यहां से हमें पता है a+b+c कितना है 0, तो a+b+c की वैल्यू रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा a³+b³+c³ = 3abc। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है 5a+1/3a = 5 है, तो 9a² + 1/25a² की वैल्यू हमें बतानी है। अब यहां पे देखिए 3a² है, यहां पर 5 है, अगर हम यहां पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहां पे 25 मिलेगा, चाहिए हमको 9² तो यानी कि यहां पर अगर 3 होगा तभी यहां पे 9² मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले क्वेश्चन को अपने सॉल्यूशन जो पूछा गया है उसके फॉर्मेट में लाने के लिए, तो ये हो जाएगा 3a+1/5a = 3 हो जाएगा। फिर a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9a² + 1/25a² ये a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये शिफ्ट होके उस तरफ चला जाएगा तो 6/5, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 39/5। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे अ मैन परचेज्ड 7 apples for ₹6 एंड सोल्ड 6 apples for ₹7, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिक मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रिक डिस्कस करेंगे कि ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करें। एक तरफ लिख लिया क्वांटिटी, दूसरी तरफ लिख लिया प्राइस, तो सबसे पहले क्या कि 7 apples क्वांटिटी इस तरफ लिखा, ₹6 में खरीदे तो प्राइस इस साइड लिख दिया, दूसरी बार में 6 apples को ₹7 में बेच दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे किया तो आया 49, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे किया तो आया 36। तो देखिए जिस साइड हमारा प्राइस है उस साइड जो वैल्यू मल्टीप्लाई होके आई वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी, और जो क्वांटिटी वाली साइड में वैल्यू मल्टीप्लाई होके आई वो हमेशा वर्क करेगी सेलिंग प्राइस के तरीके। अब हमें निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। तो एक लाइन में ही इससे सॉल्व हो गया, ये ट्रिक से सॉल्व करी, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका सीजीएल अभी तक नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चंस देख के जाइए, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको ऐसी ट्रिक्स बार बार मिलती रहें।